हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं प्रेमलता भूषण, मैं चल में आपका स्वागत है। आज हम मिक्स फ्रूट चाट बनाएंगे। आइए उसके लिए हम सामग्री देख लेते हैं। मैंने पपीता लिया है, उसको काट लिया है। एक बाउल पपीता काटा है मैंने, और एक बाउल मैंने अंगूर लिया है, एक बाउल अनारदाना लिया है, और एक चम्मच मैंने नमक लिया है, बनाया हुआ होम मेड नमक है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है देख सकते हैं। एक चम्मच मैंने चाट मसाला लिया है, दो मैंने केला लिया है उसको काट लिया है, और एक मैंने संतरा लिया है इसको काट लिया है। तो आइए अब हम बनाना शुरू करते हैं फ्रूट चाट। फ्रूट चाट बनाने के लिए मैंने एक बड़ी बाउल ली है अच्छे से मिक्स करने के लिए, ताकि बड़ी बाउल में अच्छे से मिक्स हो सकता है। तो सबसे पहले हम पपीता डाल देते हैं, संतरा डाल देंगे, संतरे को काट के अच्छे से इसका बीज मैंने निकाल लिया है, कटी हुई केला डाल देंगे, अंगूर डाल देंगे। अंगूर चाहे आप तो इसको काट सकते हैं, बीच से दो भाग कर सकते हैं, मैंने नहीं किया है। थोड़ा सा अनारदाना डाल देंगे। तो देखिए मैंने सभी फल डाल लिए हैं, आपको जो पसंद हो फल फ्रेंड्स उसको आप ले सकते हैं। तो चाट मसाला डालेंगे एक चम्मच, एक चम्मच मैंने बनाया हुआ नमक डाला है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स फ्रूट चाट बहुत फ़ायदेमंद है, सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है, और वेट लूज़ करना हो तो आप इसे खा सकते हैं, और पेट के लिए बहुत फ़ायदा करता है। और हल्की फुल्की भूख हो और आपको कुछ खाना हो जल्दी में फट से, फल है आपके घर में तो आप बना सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है फ्रूट चाट। आप भी बनाइए इस तरीके से और खाइए। देखिए मैंने मिक्स कर लिया है, देखिए बहुत ही अच्छा बन गया है, मिक्स हो गया है, और इसको हम सर्व कर लेते हैं प्लेट में, सर्व कर लेते हैं प्लेट में। देखिए मैंने सर्व कर लिया है, खाने के लिए बिल्कुल तैयार है फ्रूट चाट। और ऊपर से थोड़ा सा हम अनारदाना और डालेंगे, आप चाहे तो थोड़ी सी हरी धनिया डाल सकते हैं इसमें। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने सर्व कर लिया है प्लेट में, खाने के लिए बिल्कुल तैयार है फ्रूट चाट, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो आप भी बनाइए और इन्जॉय करिए फ्रेंड्स। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करने से मेरी सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।